हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू योर चैनल दिल्ली मैथ। ओके, सो ये क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पे था कि सर एक यूनिटरी मेथड में क्वेश्चन बताइए, तो फिर मैंने आपका ये एक एग्जांपल लिया, एप्पल से लिया, और एक ये क्लास 7th में भी है, क्लास 8th में भी है। सो प्लीज गाइज ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इज दैट द कास्ट ऑफ 8 1/4 kg ऑफ एप्पल इज ₹478.50। सो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। ये दिल्ली मैथ चैनल्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे द कास्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ₹200 है, द कास्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ₹200, तो कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितना होगा? 200, और ये जो 5 है इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 200 / 5, सो हो जाएगा 200/5, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 0, तो ये आपका ₹40 आएगा। मतलब ये रुपीज कितना आ गया आपका? ₹40 हो गया कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कास्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ₹200 है, तो कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो 5 कॉन्सेप्ट, ये कि ये जो 5 है इधर आके डिवाइड होता है, 200/5, 5 × 5, 5 × 20, ये आपका ₹40 हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को लेंगे, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि द कास्ट ऑफ 8 1/4 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू ₹478.50 है, राइट? सो द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या है? ये नंबर जो फ्रैक्शन है 8 1/4 को यहाँ डिवाइड करना, ये है मेन, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना। द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू 478.50 डिवाइडेड बाई 8 1/4, क्लियर? अब इक्वल टू हो जाएगा 478.50 डिवाइडेड बाई, जिसको हम जरा यहाँ सेंटर में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 33/4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये जो इन जो डिवाइड का साइन है ये यहाँ, ये इंटू करेंगे तो ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है 478.50। जब इसको हम डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये जो है ना 4/33, इट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इक्वल टू आ जाएगा 478.50 इंटू 4, ये डिनोमीटर में, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बाई 33 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400, 4 × 5 = 20, 2 कैरी है आपका आया, और 4 × 8 = 32, और 3 कितना हो जाएगा आपके पास में? 4 × 5 = 20, और 400, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपको, 400, 4 × 5 = 20, और ये डेसिमल लग जाएगा, 4 × 8 = 32, और 2 कितना हुआ? 34 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 4 लिया, 3 कैरी हमने ले लिया, 4 × 7 = 28, 28 × 3 कितना हो गया? 31, और फिर आपके पास में 3 कैरी आ जाएगा, ठीक, और 4 × 4 = 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा? ये 19, ये आपके पास में 19 आ गया, राइट, बाई हो जाएगा आपके पास में 33। ये उसी तरह से आप इसको लिख देंगे, इट मीन्स वी कैन से दैट आपका आंसर कितना आया? 1914/33, ये बाई कितना आ जाएगा? ये 33 आ जाएगा आपका, क्लियर? अब देखो मैं इस साइड में आपको डिवाइड कर देता हूँ, तो अब देखो 33 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, इससे करेंगे 33 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका डिवीस नीट एंड क्लियर वर्क होना चाहिए, ठीक रहता है, तो ये हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1914। तो हाउ मनी टाइम्स ही गोज? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 में ज़्यादा हो रहा लगता है, 6 × 3 = 18, और 6 × 3 = 18, 119 ये ज़्यादा हो जाए, 5 times he goes 5 times, 5 बार जाएगा, 5 × 3 = 15, और 5 × 15 = 16, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 × 15 वी हैव टू राइट हियर, 5 × 15 = 16, क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इससे कैरी ले, 11 × 5 = 6 बया, और यहाँ ये कैरी गए तो यहाँ बचा 8, 8 में 6 = 2 आ जाएगा, ठीक, और ये एक न्यू नंबर है तो ये न्यू नंबर ले। अब देखिए डिजिबल है, यस हाँ डिजिबल है, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, तो 9 times तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 × 8 = 24, अब देखो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर, 8 × 3 = 24, 2 कैरी आया, 8 × 3 = 24, और 2 कितना हो जाएगा? 26, ये आपके पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। सो कितना आएगा आपके पास में? कितना आया ये? 58 ये आपका आया, ये आपका आंसर। सो देयरफोर वी हैव टू राइट हियर, देयरफोर
देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू रुपीज का सिंबल लगाएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 58। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ इक्वल टू रुपीज 58। समझ में आ गया कि नहीं आया, इसको जरा इसको अच्छे से लिख देंगे, ये हमारे पास में फाइनल आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये 58 आपका आंसर आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द कास्ट ऑफ 81/4 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू रुपीज 478.50, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। सिंपल क्वेश्चन है, हम लिखेंगे यहाँ पर द कास्ट ऑफ 81/4 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू 478.50। सो द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, जैसे मैंने आपको शुगर वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, तो ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बस मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। अब इसको सेंटर में ले आएंगे, 478.50 डिवाइडेड बाई, अब इसको 8 4 32 वन कितना हो 33/4 आ जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए, अब ये जो जो डिवाइड का साइन है इनटू कर देंगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 33/4 है, ये नंबर रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा 4/33 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता। अब दिस इनटू दिस, ये न्यूमरेटर हो गया, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमेटर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 1914/33 आएगा, इट मीन्स 1940/33, इसको हम इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये आपका डिवीजन है, ध्यान से देख लीजिए। सो देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर कि द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा, रुपीज 58, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये आपका होगा आंसर, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। सो ध्यान से देख लीजिए माय गाइस, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा, जैसा हो आप बताइएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे जो भी अच्छी वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा इसका यूज कर सकें, ओके। सो एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।